सब लोग बड़े सौभाग्यशाली और पंडित जी माँ ज्ञान जी के निमंत्रण पे हम सब लोग यहाँ आए और ये 12-14 साल से परंपरा चली आ रही है। इस मंदिर की शुरुआत तो क्या बहुत वर्षों पहले भी, पर कुछ 2 वर्ष से हम लोग इसको रिस्टोर करने की सोच रहे थे। आज ये पावन कार्य पूरा हुआ, आज भगवान देवता की डोली निकली है और थोड़े समय बाद ही स्नान करने के बाद में हम सब लोग पूजा करेंगे। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसी हमारी ऐसी घाटी में जहाँ की ये परंपराएं अभी भी जीवित हैं और हम लोगों का सौभाग्य रहता है समय समय पर कि हम यहाँ पर आकर के सेवा को कर सकें और इस सेवा से प्रसन्नता मिलती है। इतने लोग आज यहाँ पे हजारों की तादाद में यहाँ भंडारे होंगे और लोग आएंगे, तो मैं सबको शुभकामना देती हूँ और भगवान चालदा से और भगवान वासुदेवता से ये आशीर्वाद मांगती हूँ कि हमारे भारत का, हमारे उत्तराखंड का भविष्य उज्जवल हो और हमारी जो आगे की आने वाली पीढ़ी है ये सब हम लोग देखें। हम लोग तो सुनते हैं, समझते हैं, जान भी रहे हैं, लेकिन ये सारा प्रयास किया जा रहा है कि आगे की आने वाली पीढ़ी हमारी संस्कृति से जुड़ी रहे और अपने जो हमारे इष्ट हैं हमारे उत्तराखंड भूमि के, जिस कृपा से आज हमारा उत्तराखंड जो है एक बहुत ज्ञान का भंडार है, ये ही जो है करने से हमारी नई पीढ़ी को पता चलेगा। तो आज हम सब भाग्यशाली हैं कि हम लोग यहाँ पर आए और पूजा में हमने सबने जो है हिस्सा लिया। कार्यक्रम चल रहा था यहाँ पे, पूजा पाठ चल रही थी वासुदेवता चालदा महाराज के यहाँ, तो आज हमने सुबह जो है मूर्ति की स्थापना करी है वासुदेवता की। और इसमें आज हमारे बीच में भोले जी महाराज और माता मंगला जी और हमारे उत्तराखंड के राज्यपाल की पत्नी भी आज इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं। दूर दराज से काफ़ी भक्त यहाँ पे पहुँचे हैं और आज अब भी डोली हमारे स्नान के लिए गई है और स्नान करने के बाद जो है अपने ये जो है मंदिर में स्थापित होगी अब डोली हमारी आज।